Hello everyone, welcome back to my channel Messed Up. I am your friend Shikha और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 5 different DIY planters जिन्हें हम waste material से बनाएंगे. आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्टेड. आज के फर्स्ट DIY के लिए मैंने इस तरह का एक टीन कैन लिया है. ये एक रसगुल्ले का डब्बा है. उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ वॉल पुट्टी. ये आपको लोकल पेंट शॉप या हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगी. बोल में पानी और वॉल पुट्टी को मिक्स करते हुए हम एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे. यहाँ अप्रॉक्स 200 ग्राम वॉल पुट्टी मैंने ली है. आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी लेकर इस डो को बना सकते हैं. ये हाथों पे थोड़ा सा स्टिक होगा बट दैट्स ओके. आप धीरे धीरे इसे नीड कर लें और एक सॉफ्ट डो बना लें. इस डो से आप अपने कैन पर किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं. यहाँ मैं एक वुडन गेट का शेप बना रही हूँ. इसे स्मूथ करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपली आपको फिंगर टिप से इस पर पानी रब करना है और ये बहुत ही आसानी से स्मूथ हो जाता है. अपने डिज़ाइन पर और डिटेल्स ऐड करने के लिए आप किसी भी तरह का टूल यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पर पैलेट नाइफ कटर कुछ भी यूज़ करके अपने डिज़ाइन पर इस तरह की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. गेट बनाने के बाद मैंने यहाँ दो स्टेप्स भी बनाए हैं. इस डो के साथ काम करना काफी आसान है. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप डो को गीले कपड़े से ढककर रखें, इसे ड्राई ना होने दें. डिजाइन के सूखने से पहले हम इस पर सारे डिटेल्स बना लेंगे. उसके बाद मैंने लिए हैं इस तरह के छोटे छोटे स्टोन्स. ये मैंने अपने गार्डन से लिए हैं. मुझे इस तरह के छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े स्टोन्स ही यहाँ पर मिले हैं. अगर आपको और भी ज़्यादा कलरफुल और स्मूथ स्टोन्स मिलते हैं तो आपका ये प्लांटर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा. इन्हें हम अपने प्लांटर पर स्टिक करेंगे, जिसके लिए वॉल पुट्टी के डो को हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर स्टोन्स को प्रेस करते हुए लगाएंगे. ये इजली इस पर अच्छे से स्टिक हो जाएंगे. इस तरह से हम अपने पूरे प्लांटर को स्टोन से कवर कर लेंगे. अच्छे से ड्राई होने के बाद हम अपने प्लांटर को यहाँ पेंट करेंगे. आप अपने मन चाहे कलर से यहाँ पेंट कर सकते हैं. पेंट करने के लिए मैंने यहाँ एक्रेलिक कलर्स का यूज किया है. मैंने इसे यहाँ एक विंटेज फेरी डोर का लुक दिया है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया है. उसके बाद मैंने यहाँ चॉक पेंट के ये दो शेड्स यूज किए हैं. दीज चॉक पेंट्स आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी. ब्यूटीफुल सा ये टील ब्लू कलर मैंने ड्राई ब्रशिंग करते हुए डोर पर लगाया है. मैंने डोर को यहाँ फुल्ली कवर नहीं किया है इस कलर से, मैंने सिर्फ ड्राई ब्रशिंग की है. बॉर्डर्स पर और सीढ़ियों पर मैंने सेम ग्रे कलर यूज किया है. थोड़ा सा और शाइन ऐड करने के लिए मैंने इस तरह का मेटालिक पाउडर यूज किया है. इसे हम फिंगर टिप की हेल्प से धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट पर रब करेंगे. ये मैंने सिल्वर कलर में लिया है. आप किसी भी कलर का मेटालिक पाउडर यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरह से शाइन ऐड कर सकते हैं. ये कैमरे पे इतना विजिबल नहीं है पर इन रियल ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है. इसी के साथ ही हमारा ये प्लांटर कंप्लीट होता है. आप इसमें नीचे कुछ होल्स करके डायरेक्टली भी प्लांट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इंडोर या आउटडोर किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं.
आज के सेकंड प्लांटर के लिए मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है। इस तरह के कंटेनर्स अक्सर हमें फूड पार्सल्स में मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ फेविकोल और वाटर का एक मिक्सचर बना लिया है, जिसे बॉक्स पर अप्लाई करते हुए हम यहाँ नैपकिन पेपर स्टिक करेंगे। हमारा बॉक्स अच्छे से ड्राई हो चुका है। नेक्स्ट मैंने लिया है इस तरह का जूट रोप। आप इसके जगह कॉटन रोप या वुल भी यूज कर सकते हैं। रोप को बॉक्स पे स्टिक करने के लिए आप फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू दोनों ही यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज करते हुए स्टार्ट किया है, बट लास्ट में मेरे पास ये ग्लू खत्म हो गया था, तो मैंने आगे की रोप फेविकॉल से स्टिक की है। मैंने इसके बेस पर भी रोप स्टिक किया है, जस्ट इन केस कभी हम इसे हैंग करना चाहें तो नीचे का पोर्शन ज्यादा अगली ना लगे। रोप स्टिक करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। हमने बॉक्स पर टिश्यू पेपर स्टिक किया है, जिसकी वजह से यहाँ हमारी रोप आसानी से स्टिक हो रही है। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रोप को यहाँ पर हॉट ग्लू गन या सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। हमने अपने बॉक्स को अच्छे से रोप से कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ आइसक्रीम स्टिक्स यूज की हैं। मैंने छोटे बड़े साइज में कट कर लिया है और फेविकॉल की हेल्प से बॉक्स के ऊपर स्टिक कर लिया है। हम यहाँ इन्हें एक गार्डन फेंस की तरीके स्टिक कर रहे हैं। आइसक्रीम स्टिक्स लगा देने के बाद मैंने नीचे से भी एक रोप स्टिक की है। इससे हमारे प्लांटर में एक थोड़ा सा फिनिश लुक आएगा और साथ ही साथ ये हमारे स्टिक्स को भी अच्छे से होल्ड करेगा। उसके बाद हम यूज करेंगे ये फेविकोल का मोल्डेड क्ले, जिसके रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक डो बना लेंगे और इस डो से हम कुछ फ्लावर्स और लीफ बनाएंगे। इसे मैंने थिन रोल कर लिया है। फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक कटर यूज किया है। ये मैंने अमेजोन से बाय किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। ये काफी सारे कटर्स का सेट होता है। लीव्स बनाने के लिए मैंने अपने गार्डन से एक छोटी सी लीफ ली है, जिसके बैक साइड पे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर है। इसके ऊपर हम क्ले के छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से प्रेस करेंगे और हमारी छोटी सी लीफ बनकर रेडी है। इस तरह से मैंने सारी लीव्स बनाकर रेडी कर ली हैं। अच्छे से ड्राई होने के बाद अब हम इन्हें पेंट कर लेंगे। फ्लावर्स को मैंने यहाँ येलो कलर से पेंट किया है और सेंटर पे थोड़ा सा ब्राउन यूज किया है। कलर करने के लिए अगेन मैंने यहाँ एक्रेलिक कलर्स का ही यूज किया है और लीव्स को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन कलर यूज किया है। इन्हें हम स्टिक करेंगे अपने प्लांटर के ऊपर, जिसके लिए मैंने यहाँ सिलिकॉन ग्लू का यूज किया है। आप यहाँ हॉट ग्लू गन या फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट सिलिकॉन ग्लू इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है और इसकी होल्डिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। ये सिलिकॉन ग्लू मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड MESTUP5 फॉर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट। और हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लांटर बनकर रेडी है। तो चलिए बनाते हैं आज का थर्ड प्लांटर, जिसके लिए अगेन मैंने एक टिन का कैन लिया है। इस पर हम बेस कोट करेंगे वाइट एक्रेलिक कलर से, पर उससे पहले मैंने इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर लिया है, जिससे कि इसकी सरफेस थोड़ी सी रफ हो गई है। ऐसा करने से हमारा अप्लाई किया हुआ बेस इसके ऊपर अच्छे से स्टिक होगा।
तो हमने अपने टिन कैन को यहाँ रेडी कर लिया है बेस कोट के लिए। बेस कोट के लिए आप यहाँ जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। बेस कोट अप्लाई करने के लिए आप हमेशा फ्लैट ब्रश का यूज़ करें, जिससे कि आप पेंट या जेसो जो भी अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से इवनली स्प्रेड होगा। तो हमारा बेस कोट अच्छे से ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने बॉक्स पर अपना डिज़ाइन बना लिया है और उसे हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने फैब्रिकल के कलर्स लिए हैं। डिज़ाइन को पेंट करने के लिए आप यहाँ 0 या 00 नंबर का ब्रश यूज़ करें। मैं यहाँ एक राजस्थानी टर्बन मैन का आर्ट इलस्ट्रेशन पेंट कर रही हूँ। ये एक बहुत ही पॉपुलर राजस्थानी आर्ट इलस्ट्रेशन है। आपको गूगल या पिंट्रेस्ट पे आसानी से इस तरह के इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। अगर आप ये सेम डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह की सर्फेसेस पर पेंट करें, आप अपने पेंट की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी रखें, जिससे कि आपका पेंट अच्छे से यहाँ फ्लो हो और आपका ब्रश काफ़ी स्मूथ चले। हमारा डिज़ाइन पेंट होके रेडी हो गया है। इसके आउटलाइन के लिए मैंने यहाँ ब्लैक 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। आप इसे नॉर्मल एक्रेलिक कलर से भी आउटलाइन कर सकते हैं। थ्री डी लाइनर यूज़ करने से यहाँ पर 3D इफेक्ट तो आया ही है, बट साथ ही साथ ये ब्रश के कंपैरिजन में यूज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। हमारा आउटलाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये आर्काइवल्स मल्टी सर्फेस पेंट। आप यहाँ पर नॉर्मल एक्रेलिक कलर और चॉक पेंट को यूज़ करते हुए भी इस प्लांटर को पेंट कर सकते हैं, पर इन पेंट्स में बहुत ही अच्छी शाइन है और इनका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। दीज पेंट्स आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। अगर आप लिटिल बर्डी के प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इन पेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। दीज पेंट्स आर रियली गुड। मेरे पास फिलहाल ये दो ही शेड्स में थे जिन्हें यूज़ करते हुए मैंने अपने प्लांटर को पेंट कर लिया है। नेक्स्ट इसके बॉटम पार्ट पर मैं इस तरह का टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, विच सेज पधारो सा, विच मीन्स अ वेरी वार्म वेलकम इन राजस्थानी। ट्रेस करने के बाद आप सिंपली इसे ब्रश की हेल्प से यहाँ पेंट करके लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ब्रश से इस पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह के परमानेंट CD मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 15-20 रुपीज़ में लोकल स्टेशनरी शॉप्स में ईजिली मिल जाएगा। इसे यूज़ करते हुए मैंने यहाँ टेक्स्ट को आउटलाइन कर लिया है। और इनसाइड फिल करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और इजिली हमने अपने टेक्स्ट को भी यहाँ पर लिख लिया है। अपना टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ स्मार्कन फॉन्ट का यूज़ किया है। ये बहुत ही पॉपुलर फॉन्ट है। अगर आप ये सेम टेक्स्ट सेम फॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो इसका एक इमेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। खाली स्पेस को भरने के लिए मैंने इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाए हैं। आप इनकी जगह पोल्का डॉट्स भी बना सकते हैं। इस आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस पर एक कोट वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारा ये प्यारा सा प्लांटर भी रेडी होता है।
आइए बनाते हैं आज का फोर्थ प्लांटर, जिसके लिए मैंने इस तरह का एक आइसक्रीम बॉक्स यूज किया है। अपने बॉक्स को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे होममेड ब्लैक जेसो यूज किया है, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने जेसो के 2 कोट अप्लाई किए हैं और उसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लैक कलर का गोल्ड फॉइल नैपकिन पेपर यूज किया है। ये नॉर्मल नैपकिन पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बहुत ही अच्छा गोल्ड फॉइल फिनिश है। इस नैपकिन पेपर से हम अपने बॉक्स के ऊपर डेकोपाज करेंगे। ये नैपकिन पेपर मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। नैपकिन को बॉक्स के ऊपर स्टिक करने के लिए हम यहाँ मॉड पॉज का यूज करेंगे। आप यहाँ होममेड मॉड पॉज भी यूज कर सकते हैं। हमें केयरफुली नैपकिन को बॉक्स के ऊपर यहाँ स्टिक कर लेना है। डेकोपाज से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस इस चैनल पर आपके साथ शेयर किए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लैक नैपकिन पेपर यूज किया है, इसलिए मैंने बेस पर ब्लैक जेसो अप्लाई किया है। अगर आपका नैपकिन पेपर लाइट कलर का है तो आप यहाँ पर वाइट जेसो अप्लाई करें। लास्ट में अपने बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ 2 कोट वार्निश के किए हैं। आप इसे डायरेक्टली सनलाइट में ना रखें, जिससे कि इसका कलर फेड नहीं होगा और इसके गोल्ड फॉइल की फिनिश ऐसी ही बनी रहेगी। आइए बनाते हैं आज का लास्ट DIY प्लांटर, जिसके लिए मैंने लिया है एक हार्ड कार्डबोर्ड का पीस। ये मैंने रेक्टेंगल शेप में लिया है। इसके डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके दोनों अपर कॉर्नर्स को मैंने कुछ इस तरह से ट्रिम कर लिया है और ऊपर की साइड 2 होल्स कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इस तरह का एक जूट क्लॉथ लिया है। जैसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर हमें इसे एक पॉकेट की तरह बनाना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक नोटबुक को पॉलिथिन पे अच्छे से रैप करते हुए यूज किया है। हम इसे यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर देने के लिए यूज कर रहे हैं। बैक साइड पर भी हम अपने जूट क्लॉथ को अच्छे से स्टिक कर लेंगे। ग्लू लगाने के बाद मैंने इसे टेप से थोड़ा सा सिक्योर किया है, ताकि ड्राई होने तक ये ज्यादा मूव ना करे। बेसिकली हमने यहाँ जूट से एक पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करेंगे वॉल पुट्टी के डो से। ये वॉल पुट्टी और वाटर का सेम डो है, जिसे हमने अपने फर्स्ट प्लांटर पर भी यूज किया था। इसे मैंने एक पैलेट नाइफ की हेल्प से यहाँ अप्लाई कर लिया है। आप इसे नॉर्मली किसी नाइफ या स्केल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे पानी लगाकर थोड़ा सा स्मूथ भी कर लिया है। आप इसे यहाँ पे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा टेक्सचर बनाने की कोशिश की है। टेक्सचर बनाने के बाद आप किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से यहाँ होल्स को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। उसके बाद प्लास्टिक में रैप करी हुई बुक को इस पॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे और इस पॉकेट को भी हम वॉल पुट्टी के पेस्ट से कवर करेंगे। बट दिस टाइम इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी को हम थोड़ा सा स्मूद और क्रीमी रखेंगे, जिससे कि इसे स्प्रेड करना आसान हो जाएगा। पूरे जूट क्लॉथ को हम इस तरह कवर कर देंगे।
और पानी लगाते हुए हम इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। ड्राई होने के बाद हम इस पर थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने इसकी सरफेस को सैंड पेपर यूज करके थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। उसके बाद मैंने यूज की है ये ट्रांसफर शीट। ट्रांसफर शीट्स यूज करना बहुत आसान है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये शीट आपको यूज करके दिखाई है। आपको सिंपली अपना डिजाइन इससे कट करना है और उसके ऊपर लगी हुई ट्रांसपेरेंट शीट को रिमूव करने के बाद इसे सरफेस पे स्टिक कर देना है। उसके बाद एक गीले स्पॉन्ज से डैप करते हुए हम इस तरह से डिजाइन को गीला कर लेंगे, जिससे कि हमारा डिजाइन सरफेस पर ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा डिजाइन यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, पर अभी हम इस पेपर को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। उससे पहले हम यहाँ थोड़ी सी स्टेंसलिंग करेंगे। इस तरह से स्टेंसलिंग करने से आपका स्टेंसिल वर्क आपके ट्रांसफर डिजाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। स्टेंसलिंग कंप्लीट होने के बाद हम केयरफुली इस पेपर को रिमूव करेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा स्टेंसिल वर्क बहुत ही क्लोज है हमारे डिजाइन के, बट इसे ओवरलैप नहीं कर रहा है। डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ एक कोट वार्निश करेंगे। फाइनल टचेस ऐड करने के लिए मैंने यहाँ एक जूट रोप टाई की है और कुछ आर्टिफिशियल हैंडमेड फ्लावर्स यूज किए हैं। फाइनली हम अपनी बुक को यहाँ से रिमूव कर लेंगे और हमारा ये प्लांटर बनकर रेडी है। आप इसे एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा है और आप इसमें कुछ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ ब्राउन एक्रेलिक कलर यूज किया है। और इस कलर का टोन थोड़ा सा डाउन करने के लिए स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने इस तरह से चॉक पेंट अप्लाई किया है। और अपने प्रोजेक्ट पर कुछ एक्स्ट्रा शाइन ऐड करने के लिए मैंने ये गोल्डन मेटालिक पेंट यूज किया है। और हमारा प्लांटर पेंट होकर बिल्कुल रेडी है। इसे हैंग करने के लिए मैंने एक जूट रोप लिया है, जिसे बनाए हुए होल्स के थ्रू हम पास करेंगे और दोनों एंड्स पर नॉट लगाएंगे। इसी के साथ ही हमारा ये प्लांटर भी बनकर रेडी है। आप इसमें अपने आर्टिफिशियल प्लांट शोकेस कर सकते हैं। आपको ये प्लांटर आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।